मैं यहाँ 23 साल से काम कर रहा हूँ। कोविड की वजह से भी हुआ था वो डाउनफॉल। गवर्नमेंट का है प्लान में, अगर वो करेंगे तो हम भी चलेगा। मैं अपना सिल्क यूनियन पिछले 30 सालों से चला रहा हूँ। बड़ा ही एडवेंचरस काम है सिल्क का काम, रेशम का जो तार बनाना है बहुत ही एडवेंचरस काम है। I started from the beginning, मैंने यही काम किया है। थोड़ी देर मैंने नौकरी की है। हमारा एक फंड आता है कोकून बैंक फंड, जो कि हमें दे नहीं रहे हैं। पिछले साल भी रो रो के दिया, इस साल तो बिल्कुल नहीं दिया। मैं अपना सिल्क यूनियन पिछले 30 सालों से चला रहा हूँ। तो मैंने एम्प्लॉयमेंट तो मैंने काफ़ी दी। मैंने लोकल यहाँ की लेबर लेडीज़ को भी ट्रेन किया। मेरी वेस्ट बंगाल से, कर्नाटका से लेबर आती है। मैंने एम्प्लॉयमेंट काफ़ी जनरेट की। लोकल लेबर में थोड़ी सी तकलीफ ये आती है कि मैं ट्रेन करता हूँ, उनकी मैरिज हो जाती है लड़कियों की, तो चला रहे हैं। लोकल भी है, बाहर की लेबर भी है, तो मिलजुल के हम काम चला रहे हैं। देखिए जी, ये जो मैं बेसिकली आई प्रेफर उधमपुर की खुपड़ी जो है मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि एक तो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की कुकून जो है सबसे अच्छी है, जितनी भी हमारी J&K की कुकून है। और बींग लोकल हम चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है। काम में काफ़ी मेहनत है। आपको कुकून मार्केट में कुकून परचेज करनी पड़ती है, उसके बाद इसको स्टोर करना पड़ता है, कीड़ों से बचाना है, चूहे से बचाना है। मेहनत तो उसमें काफ़ी है, बट बड़ा ही एडवेंचरस काम है सिल्क का काम, रेशम का जो तार बनाना है बहुत ही एडवेंचरस काम है। देखिए जी, बेसिकली मैंने इंजीनियरिंग की है कर्नाटका से, जो कि सिल्क का माना जाता है कर्नाटका, रामनगरम दैट टू। तो मुझे वहीं पे ये बड़ा काम पसंद आता था, जब मैं देखता था हर घर में एक सिल्क की फैक्ट्री होती थी वहाँ, तो तब से मेरे को जुनून था कि यार जब मैं भी काम करूँ यार ये। फिर J&K में मैंने देखा है कोकून्स काफ़ी है, खुपड़ियाँ, तो मुझे तब से जुनून था कि मैं अपना कुछ काम करता हूँ। और मैंने नौकरी तो की नहीं, आई स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग मैंने यही काम किया है। थोड़ी देर मैंने नौकरी की है, तो मुझे तो बड़ा इसमें एडवेंचर आता है। काम बड़ा मेहनती है लेकिन अच्छा काम है। मैंने 1994 में ये काम स्टार्ट किया, आज 30 साल हो गए मुझे ये काम करते हैं। खादी बीच में तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी जैसे आपको पता है, अब खादी का काफ़ी फिर से प्रचलन हो गया। पीछे आपने देखा होगा खादी के कुर्ते अब खूब बिक रहे हैं, शादियों में भी अब खादी काफ़ी चल रही है। उससे हमारा काम में काफ़ी मतलब फ़र्क आ गया, जो कि पीछे काफ़ी डाउन हो गई थी, इंडियन सिल्क काफ़ी डाउन हो गई थी। आज तो आपको सिल्क मार्ट मिलेंगे, हर जगह सिल्क के शोरूम्स मिलेंगे, अब सिल्क फिर वापस आने लगे, बीच में डाउन हो गया था। देखिए जी, एम्प्लॉयमेंट तो इससे काफ़ी जनरेट हो सकती है, जब व्हेन इट कम्स टू सिल्क इसके काफ़ी फील्ड्स है। अभी तो हम करते हैं, पहले आपकी होगी रेयरिंग, जो कि हमारे किसान लोग खुपटी बनाते हैं, उसके बाद होगी हमारी रीलिंग सेकेंड फेज, थर्ड फेज आता है इसकी ट्विस्टिंग एंड वीविंग फोर्थ एंड थर्ड, उसके बाद डाइंग प्रिंटिंग। इसमें स्कोप तो बेशुमार है, श्रीनगर में लोग करते हैं ये काम, बट हमारे जम्मू में अनफॉर्चुनेटली इसका भी उतना प्रचलन नहीं है। मेहनत हमें तो काफ़ी करनी पड़ती है, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी थोड़ा इसको सपोर्ट करे। तो बदकिस्मती से पिछले कुछ सालों से, 2-3 सालों से गवर्नमेंट का काफ़ी भेदभाव रहा। हमारा एक फ़ंड आता है कोकून बैंक फंड, जो कि हमें दे नहीं रहे हैं। पिछले साल भी रो रो के दिया, इस साल तो बिल्कुल नहीं दिया। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ अपने डायरेक्टर साहब से और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से, क्योंकि इसको थोड़ा सा देखें, हम पुराने 30 सालों से काम कर रहे हैं, अगर हमें ये ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई नया आदमी आएगा इसमें। कोकून बैंक से देखिए, हमें 30-40-50 लाख की खुपटी सरकार अपना पैसा लगा के देती थी, हमें कोई पैसा नहीं लगाना होता था। जब हम माल छुड़ाते थे जितना, सपोज़ मुझे चाहिए 2 लाख की खुपटी कोकून्स जो मैं अपनी फैक्ट्री में, मैं 2 लाख लगाऊँ गवर्नमेंट को, रेस्ट इज़ इन बैंक लाइक बैंक। तो वो इनने हमसे छीन ली वो फैसिलिटी भी, इस साल हमें बिल्कुल नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया गवर्नमेंट ने। और मैं लड़ता रहा कि उधमपुर मार्केट है 2, एंड में कह रहे हाँ जी आपका कोकून बैंक देंगे, मतलब जो कि बहुत ही मुझे बड़ा ही धक्का लग रहा है। अगर हम जैसे लोग जो इतने पुराने हैं हमारे साथ ऐसा सलूक होगा तो आने वाले क्या करेंगे।
मैं यहाँ 23 साल से काम कर रहा हूँ। फैक्ट्री सिल्क फैक्ट्री एंजल सिल्क सलमे 23 साल से ही चल रही है। अभी तो थोड़ा सा डाउन हो गया क्योंकि ये हमारा माल डंप हो गया। इस बार हमारी प्रॉब्लम आ गई, कोविड की वजह से भी हुआ था वो डाउनफॉल। अब धीरे धीरे बढ़ने लगा, उम्मीद है चलेगा। फिलहाल तो नॉर्मली चला रहे हैं, अब देखते हैं क्या होगा आगे। अभी रेट का बढ़ने का चांस नहीं है। फ्यूचर तो लग रहा है, बूस्ट हो रहा है, कुछ कर रहे हैं गवर्नमेंट का है प्लान में। अगर वो करेंगे तो हम भी चलेगा, उम्मीद है। अभी तक कर रहे हैं, हमारे पास थे 22 में कुछ हमारे ट्रेन करके वो निकल गए, दूसरी फैक्ट्री में गए, श्रीनगर गए, कहीं गए उधर। अभी तक है, उम्मीद है बढ़ जाएगा और धीरे धीरे लेबर भी बढ़ जाएगी। धागा तो बढ़िया धागा, डिफरेंट क्वालिटी का बन रहा है, 28-32 का बन रहा है, कुछ 20-22 का बन रहा है। डिफरेंट जो ऑर्डर होगा उस हिसाब बन रहा है। ज़्यादा मैक्सिमम हमारा 28-32 का बन रहा है। अब ये गवर्नमेंट के हाथ में है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इंडस्ट्री चलेगी, नहीं चाहे तो गवर्नमेंट ये बंद हो जाएगा।